हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम विजय कुमार है और आप देख रहे हैं टेक्निकल विजय चैनल। तो दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि आप अपने डीओ रिकॉर्डर का वाटरमार्क कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो सिंपली से आपको अपना डीओ रिकॉर्डर ओपन कर लेना, और ये बहुत ही छोटी सी वीडियो है तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो सिंपली से आपको अपने यहाँ पर जो ऑप्शन आ रहा है सेटिंग का डीओ रिकॉर्डर वाले का, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक कर देते हैं, फिर आपको सिंपली से नीचे की ओर स्क्रॉल करते हुए चले आना है। तो जैसे ही आप नीचे की ओर स्क्रॉल करते चले जाते हैं, तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है वाटरमार्क, ठीक है ना। और तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर डिसेबल लिख के आ रहा है, तो मैंने इसे बंद कर रखा है। आपका ये जैसे ही ओपन होगा तो आपका ये वाटरमार्क आ रहा है, ये तो ये आ रहा होगा, तो आपको इसे डिसेबल कर देना यानी बंद कर देना है। तो दोस्तों, एक तरीका ये हो गया। आपको मैं दूसरा तरीका भी बता देता हूँ, जैसे आपका वाटरमार्क नहीं जाता है तो दूसरा तरीका कौन सा है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सिंपली इसे कट कर देना है, फिर से आपको अपना डी रिकॉर्डर ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद जैसे ही आप अपना कोई वीडियो एडिटिंग करते हैं, तो जैसे कि मान लीजिए मैं अपना एक वीडियो आपको दिखा देता हूँ एडिटिंग करके, ठीक है ना। जैसे ही आप ये वीडियो मैं एडिटिंग करता हूँ, ठीक है ना, ये वीडियो एडिटिंग करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरा जो ये वाटरमार्क अभी आ रहा है। तो सिंपली से आपको मैं बताना चाहूँगा कि आपको जहाँ पर ये क्रॉस वाला ऑप्शन दिख रहा है, सिंपली से आपको इसी पर क्रॉस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप टच कर देते हैं, आपका वाटरमार्क रिमूव हो जाता है। तो मैं दो ऐप्स यूज करता हूँ, डीओ रिकॉर्डर से रिकॉर्ड करता हूँ और काइनमेटर से एडिटिंग करता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और इसी तरीके लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।